أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا اور نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا جو تُو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا اور بنا کے مجھ کو کبوتر کفا میں رکھ دیتا کفا غار کو کہتے ہیں سنیے گا کہ بنا کے مجھ کو کبوتر کفا میں رکھ دیتا نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا اور میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا اور کہ جلن سے دیکھتے ہی رے جواہرات مجھے جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے نبی کی گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کا فیپا بنا دیا ہوتا صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا اور حسن و حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے جو تُو نے مجھ کو کھلونا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا اور آخری شعر
के फराहतों के समय मुझ में रख दिए होते, फराहतों के समय मुझ में रख दिए होते। अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता, मुझे भी शाहिदे असरा बना दिया होता, मुझे भी शाहिदे असरा बना दिया होता। नबी की गर्द का, नबी की गर्द का फीपा बना दिया होता। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रहे थे हाफिज मोहम्मद अबू बकर, और नात रसूल मकबूल पढ़ने की सआदत हासिल की हाफिज उमर फारूक थे। अल्लाह ताला आप दोनों की तौफीकात में, आप दोनों के इल्हान में मजीद बरकत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज 11वां रोज़ा है, रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज हुआ चाहता है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत हमसे रुख्सत हो चुका है और अब अशरा मग़फ़रत का आगाज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अशरा मग़फ़रत की दुआ उम्मत को यूं तालीम फरमाई, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही, यानी ऐ इलाही मैं तेरी जनाब में अपने सारे गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ और तेरी ही जानिब रुजू करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत महीना बरकतों और रहमतों का महीना, ये वो महीना जो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपनी उम्मत पर, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब उम्मत पर इनाम है। ये वो महीना है, ये नेकियों का वो मौसम बहार है जिसमें अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को मवाके ही मवाके अता किए हैं कि हम थोड़े थोड़े आमाल के बदले में उसकी बख्शिश, उसकी रहमतों से अपने दामन को समेट लें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला अपनी इन रहमतों से, मग़फ़रतों से हमें ज़रूर हिस्सा अता फरमाएंगे, हमारे थोड़े आमाल को कबूल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत मुसलमानों के ईमान का लाजमी जुज़ है। यकीनन अल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें यकीनन कोई दो राय नहीं कि आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की महब्बत के बग़ैर ईमान बिल्कुल नामुकम्मल है। लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाब के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की महब्बत और उनकी पैरवी की शरी हैसियत क्या है एक मुसलमान के लिए असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत किस हद तक ज़रूरी है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में दावत दी है नौजवान इस्लामी स्कॉलर, आप पहले से ही हमारी स्क्रीन पर उनसे वाकिफ हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में गाहे बगाहे शरीक होते रहते हैं। मेरी मुराद है जनाब अब्दाल मुनीर साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दाल भाई, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा हमसे रुख्सत हो गया, दूसरे अशरे का आगाज है, बिल्कुल क्या कहेंगे आप इस पर? तेजी से दिन गुजरते चले जा रहे हैं। बस पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा और रोशन पाकिस्तान की जो ये ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आप लोगों ने शुरू की है, बेशक ये अल्लाह की तौफीक ही है, यकीन कोशिश है, तो उस हवाले से आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। और दूसरा जो आपका पॉइंट है कि वक्त चढ़ा और गुजर गया और दिन निकला और ढल गया, तो वही कुछ मामला है कि आज हम देख रहे हैं, कुछ थोड़े दिनों पहले की बात है कि रमजान शुरू हुआ और बरकतें आना शुरू हुई और उसकी एक रूटीन बनना शुरू हुई, तो लेकिन आज हमने देखा कि एक अशरा हमसे रुखसत हो गया। ये बस कमाई करने वालों में इसमें कमाई भी की, हाँ, और हम जैसे जो नालायक हैं, खताकार हैं, अल्लाह ताला हमें भी हमारी मग़फ़रत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अपना रहमत का मामला हम हमारे साथ करे, थोड़े अमाल को हमारे कबूल और हमारे थोड़े अमाल को ही बस हमारी कमजोरी को समझते हुए कबूल कर ले। और ये जो अब अशरा है जो आज से स्टार्ट हो गया है, जो हमारे लिए है, इसके लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ बताई वो आपने जिक्र भी किया, बस कोशिश हम ये करें कि इस
इस अशरे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए और इस वक्त को कीमती बनाया जाए। बेशक, क्योंकि ये अशरा गुजरना है तो फिर तो गिनती के आगे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो आपको पता है कि जी हाँ, रुखसत होने का वक्त आ जाएगा और कुछ हमारी कोताहियां भी शुरू हो जाती हैं तीसरे अशरे के एंड में। हाँ जी, फिर वो ईद की तैयारियों में मिक्स हो जाते हैं, हालांकि वो ज्यादा वक्त है हमारे साथ के लिए। वो बेसिकली इसकी एग्जांपल ये दिया करते थे कि वो कहते थे कि मौलाना फरमाते थे कि ये बेसिकली इस तरह है कि एक शख्स तुम्हें कोई ब्लैंक चेक दे दे, ठीक है, और वो ये कहे कि 30 दिन बाद जितने इसमें पैसे लिखने हो लिख चेक करा लेना, तो जाना वो आप इसमें निकलवा लेना, विदड्रॉ करवा लेना। तो बेसिकली आखिरी अशरा तो उस लिए है हमारे, और आखिरी रोज उजरत लेने का वक्त है, वो तो रिवॉर्ड लेने का वक्त है, वो हम जाया कर देते हैं गफलत में। बस का गफलत है, कमजोरी। हाँ जी, अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम जो है वो समेट सकें। ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी उम्मत, हमारी कौम इस महीने के अंदर जो जितना होता है, जो शख्स जितना कर सकता है, बेशक उसे ज्यादा भी करना चाहिए, लेकिन जो शख्स जितना करता है वो शौक दिखाते हैं, सब शौक दिखाता है। आपने मस्जिदों की रौनक से जी बिल्कुल यकीनन, यकीनन बच्चा बच्चा रोजे रखने की कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का अल्लाह पाक कबूल फरमा ले हमारे थोड़े थोड़े अमल को। अब्दाल भाई, हमारा आज का जो मौजू है वो असहाबे रसूल रिजवानुल्लाह अजमईन के हवाले से है, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि आप तारीफ कर दें, यानी डेफिनेशन क्या होगी, सहाबी रसूल किसे कहा जाता है। अच्छा रोहान भी, इसमें जो बड़ी मुख्तसर सी और हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी सुंदर सी डेफिनेशन है वो ये है कि जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, बैत की ईमान की हालत में देख लिया, वो सहाबी हो गया। क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो नबूवत का बेसिकली वो जो नूर है वो उसने देख लिया, वो उसने विटनेस कर लिया। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी सआदत, इससे बड़ी यकीनन, इससे बड़ा अल्लाह का इनाम मेरा ख्याल है इस दुनिया में, तो इस दुनिया में भी और बाद में भी शायद नहीं। बेशक, तो छोटी सी मुख्तसर सी जो तारीफ है वो ये है कि सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जज़ाकअल्लाह, और बैत की ज़ियारत, तो वो यकीनन बाकी सारे इंसानों से, अब वो शख्स भी मुमताज हो गया। जी जी जी, वो आपने मौलाना का मौलाना ताजुमी साहब अक्सर बयान फरमाते हैं कि सारी दुनिया के इंसान जुनैद बगदादी बन जाएंगे, नेकी में जुनैद बगदादी बन जाएंगे, ठीक है। तो सहाबी की एक रत्ती बराबर नेकी को भी पहुंच। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला के मुंतखब अफराद, यकीनन बहुत बड़ा इनाम है। अच्छा अब्दाल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो हमारे ईमानों का लाजमी जुज है, और हर मुसलमान आप से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत रखता है, तो लेकिन आपके असहाब की मोहब्बत या उनकी अकीदत ये किस हद तक लाजमी है मुसलमानों के लिए, ये आपने बहुत प्यारा जो है सवाल पूछा है, क्योंकि इसके अंदर कम इल्मी की वजह से और कम जर्फी की वजह से भी, कम इल्मी की वजह से भी हमारे में इस पॉइंट को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है। तो इसमें बड़ी क्लियर जो वाज़ह चीज है वो ये है कि जिस तरह कुरान के ऊपर अकीदत, यकीन, ईमान रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखना हमारा जुज है, हमारे ईमान का जुज है। इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को मानना और उन पर ईमान रखना, ये भी हमारे दीन का एक बड़ा मैंडेटरी, यानी आप कह सकते हैं, मुझे जो आपकी बात का मतलब समझ आ रहा है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी गोया शायर इस्लाम में से है। बिल्कुल इस तरह ऐसे ही, बिल्कुल इस तरह। उसकी मैं आपको थोड़ी सी दलील से हम वाज़े भी कर देते हैं जी जी जरूर, ऑडियंस को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमाया कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, हजरत इमाम हसन हुसैन के बारे में, हजरत अली रजी अल्लाह के बारे में फरमाया कि अली मुझसे, मैं अली से, ठीक है ना, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने भी फरमाया, और फिर यहाँ तक भी है
کہ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے عمر بن خطاب کے بارے میں بھی جیسے آپ کہتے ہیں لا نبی بعدی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو ہر صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں مطلب ہمیں اس میں مطلب میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہو آر وی ٹو ڈیسائڈ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے تو بس محبت کرنی ہے یہ تو اللہ اور کرتے چلے جانا ہے کہ ایک ایک جماعت ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر ایسی بنا دی ہے ورنہ ان کی تعریف میری اور آپ کی محتاج ہے بالکل نہیں ان کی تو تعریف میرا نبی خود کر رہا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے قرآن کا موضوع بنا دیا ہے اس کی تعریف ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں براہ راست ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی براہ راست اس کے فرمان ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا ہر صحابی ستارے کی مانگ سبحان اللہ میرے ایسے لگا آپ نے جیسے منہ سے لفظ لیے تو بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو اپنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے جزاک اللہ عبداللہ ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں ہمیں بریک پر جانا ہے ہم بریک سے واپس آئیں گے اور آپ سے جانیں گے کہ قرآن حکیم کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون سی آیات نازل ہوئی یقین معنی و مفہوم میں تو آپ کی اجازت سے بریک پر جاتے ہوئے ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے گا اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام نوائے رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین محترم یہ پروگرام آر پی نیوز یعنی روشن پاکستان نیوز کے پلیٹ فارم سے اسٹیک گروپ آف کالجز ملتان کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میں اپنے تمام ناظرین کو جو پاکستان کے کونے کونے سے دنیا بھر سے جہاں جہاں سے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سے گزارش کروں گا اپنی دعاؤں میں اپنی عبادات میں آپ پاکستان کو امت مسلمہ کو ہمیں ہمارے ادارے کو ضرور یاد رکھیں افطار کا وقت بھی قریب ہے آپ لوگ یقیناً اس وقت افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے میں یہاں پر حسب عادت ایک دفعہ پھر اپنے بھائیوں کو بزرگوں کو بیٹوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے اہل خانہ کی گھر کے کاموں میں مدد کرنا ان کا ہاتھ بٹانا یہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے افطار کی تیاریوں میں اپنی والدہ کا اپنی بہنوں کا اپنی زوجہ کا ضرور ہاتھ بٹائیں اور پھر بالکل آخری لمحات میں سب کے سب مل کر ہم بھی آپ کے ساتھ یقیناً سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کر حاضر ہو جائیں گے آج کے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے شان صحابہ کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ آپ کے فرمان کے مطابق ستاروں کے مانند ہیں بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر عبدال منیر صاحب کی جانب نوجوان اسلامک اسکالر ہیں آپ پروفیسر ہیں بہاؤدین زکیہ یونیورسٹی ملتان کامرس ڈپارٹمنٹ میں آپ سے جانیں گے کہ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں قرآن مجید میں شان صحابہ کے بارے میں کن آیات میں کن الفاظ میں ذکر کیا ہے جی عبدال بھائی روحان بھائی اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پہلے تو عشرہ مبشرہ جو ہمارے صحابہ ہیں جو 10 صحابی ہیں وہ خوش نصیب 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دی سبحان اللہ اور ان کی بڑی جو ہیں وہ سیکریفائزز ہیں اور اسلام کی خاطر ابتدائی ایام میں قبول اسلام اور دیکھیں یہ ایک دنیا کا ایک فینومینا ہے کہ جب برے وقت میں آپ کے ساتھ پائنیئر ہوتا ہے تو وہ ایک پائنیئر بیج ہوتا ہے وہ ساری عمر آپ کو یاد رہتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہر بندے کو ہر بندہ ساری عمر یاد رہتا ہے یعنی اس وقت ساتھ لینے والے جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو عشرہ مبشرہ میں وہ صحابہ اور اس کے بعد جو باقی صحابہ ہیں کم و بیش ہمارے جو 125,000 صحابہ ہم روایات میں ہیں تو اس میں بھی بڑے بڑے نام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بیت رضوان کے موقع پر جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا یہ حکم دیا یہ تاکید کی کہ آپ ذرا بے شک اس کے پیچھے ایک بہت بڑا وزڈم تھا اللہ کا تو آپ ذرا ایک ایک صحابی سے بیعت لیں
तो उस वक्त सारे जो सहाबा थे वो बेसिकली अल्लाह का जो मकसद था उसके पीछे जो हिकमत थी वो ये थी कि चूंकि मदीना के अंदर मुनाफिकीन बहुत थे तो उस स्टेज पे ये फिल्ट्रेशन करना बड़ा जरूरी थी। तो क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा महाज था मुसलमानों के लिए जो कि जिसमें अल्लाह ताला ने उनको एक फतह नसीब करनी थी, फतह मक्का आप जानते हैं जी। तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर दस्ते मुबारक के ऊपर सारे सहाबा ने जो कि होल हार्टेडली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में थे, अकीदत में थे, उन्होंने जब बैत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह ताला ने उस मौजू को कुरान का हिस्सा बना दिया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया गया कि आप इन्हें कह देंगे हम इनसे राजी और ये हमसे राजी। क्या गोया कि वो सारे सहाबा सारे जो सहाबा हैं वो फिर वही बात है कि छोटी मुंह बड़ी बात। तो लेकिन हो सकता है कि हमारी इन बातों से ही अल्लाह ताला हमारी कोई बात कबूल कर ले, वरना वो हमारे कोई मोहताज तो नहीं है। तो सारे सहाबा और अल्लाह ताला के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक जो है वो मुकर्रब हैं और एक सारों का अपना अपना एक मकाम है और सारे जन्नत। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा अब्दुल भाई ये फरमाइएगा, ये मैं खासतौर पे तलबा तलबात के लिए अपने नौजवानों के समझने के लिए ये सवाल आपकी जानिब पेश कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात देखा जाता है कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में तफरीक करना जी या एक गैर ज़रूरी बहस, मैं तो इसे गैर ज़रूरी बहस कहूँगा कि एक गैर ज़रूरी बहस में उलझना जी कि फ़लाँ के मनाकिब फ़लाँ से ज़्यादा हैं और फ़लाँ के मनाकिब फ़लाँ से ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से आप एक मुतवाजन राय क्या देना चाहेंगे? उसमें आपने बड़ा ये पिन पॉइंट जिसे क्वेश्चन कहते हैं ना हम, वो आपने किया है और ये बड़ा जरूरी है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान और मोमिन का फर्क जान लें हम कि मुसलमान आप समझते हैं उसकी तारीफ ये है कि जो अल्लाह को मानता है, ठीक है, और मोमिन ये है जो अल्लाह की मानता है। वर्ड सिर्फ एक का फर्क है। तो आपने जब अपने आप को मोमिन और बीइंग एन उम्मती ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉमिनेट करवाया है तो फिर आपकी ना राय अपनी होनी ही नहीं चाहिए। फिर आपकी क्या राय और मेरी क्या राय? बिल्कुल, जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं क्या उससे बड़ी आपकी राय? नाउज बिल्ला कतर नहीं। या उससे बड़ी है मेरी राय? नाउज बिल्ला नहीं है, ना हो सकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका रब यानी कि हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, जब उनके बारे में जो जो उनके लेवल्स हैं, जो उनके मकाम हैं, वो जानते हैं। अगर कहीं बशरी तकाजे के तहत कोई कमी, कोई खामी, कोई कोताही है भी सही, रह भी गई, लेकिन वही आपके बाद जब अल्लाह ताला ने खुद जब अल्लाह ने हुक्म सादिर फरमा दिया, अच्छा फिर दरगुजर फरमा दिया, देखेंगे है इसको समझने की जरूरत है कि जो कमी या कोताही रही है ना वो दारा इस्लाम में आने से पहले की है। दारा इस्लाम के बाद तो उनका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होता था। क्या बात। और मोमिन की शान ही ये है सबसे बड़ी कि आपका हर आने वाला दिन पिछले गुजरे हुए दिन से बेहतरीन हो। तो जो आपका क्वेश्चन है, पहली बात यह है कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। जब अल्लाह ने उन्हें जो है ना बख्श दिया, जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत का वादा कर दिया, जब अल्लाह उनसे राजी हो गया, सुभान अल्लाह, सबके लिए ऐलान है, यानी कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दे अल्लाह, इससे बड़ी कोई बात है कि मैं इनसे राजी, मैं इनसे राजी, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह राजी है, बीइंग एन उम्मती, बीइंग ए मोमिन, आप कौन होते हैं अपनी राय देने वाले? और कुरान ने इसका मौजू बनाया कि वो एक उम्मत थी, वो एक गिरोह था, वो एक लोग थे जो गुजर गए, उनके माल उनके साथ, तुम्हारे माल तुम्हारे साथ। तो इसलिए हमें मतलब हमें तो ये हुक्म नहीं आया कि मैं आपको जज करूं किसी आम इंसान को, मतलब मुझे तो ये नुक्ता उठाया आपने, हाँ मुझे तो ये हुक्म नहीं है कि मैं किसी जो है ना गुनाहगार को, गुनाह करने वाले को जज करना शुरू करूं। देख भी रहा हूं तो जज क्यों करूं मैं? मुझे तो ये हुक्म ही नहीं, मुझे तो अल्लाह ये कि वो पाकीज़ा हस्तियां, ठीक है ना, फिर उलमा है, फिर हमारे अंदर औलिया है, फिर सहाबा कितना बड़ा एक लेवल है, एक मकाम है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी तो ये जुरत होनी ही नहीं चाहिए। बाकी जो समझने की बात है वो ये है कि हर सहाबी का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ड्यूटी, एक लेवल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रखी।
और ये बेसिकली टीम वर्क बताया गया, ये बताया गया कि लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस चीज में बेहतर थे उनसे वो काम लिया, ठीक है, अबू बकर के बाद उमर जिस चीज में बेहतर थे उनसे वो काम लिया। बहुत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमें, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इल्म का दरवाजा है, ठीक है ना, तो विजडम हिकमत, ठीक है ना, और प्लानिंग रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से मिलती, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है इनको समझना चाहिए कि लेवल और जो मकाम है वो हम उसे जज ना कर सकते हैं ना करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये हम अपने ईमान के साथ कुफर कर बैठेंगे, हमें बस सबसे मोहब्बत और यकसां और दिल भाई किसी के लिए भी, मतलब एक आम आदमी के लिए नहीं है, नहीं है तो उन लोगों के लिए जो जिनको आप सल्लम की सोबत नसीब हुई, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो नूर विटनेस किया। जज़ाकअल्लाह अब्दाल भाई, बहुत शुक्रिया। इफ्तार का वक्त करीब है। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगु कर रहे थे आज के इस प्रोग्राम में असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अजमत के हवाले से। तो बहुत ही खूबसूरती से जनाब अब्दाल मुनीर साहब ने इन तमाम बातों पर रोशनी डाली कि वो अजीम हस्तियां जिनके बारे में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दे दी, अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमा दिया कि मैं इनसे राजी, आज मैं और आप हम सब यहाँ अल्लाह ताला की रज़ा के मुतलाशी हैं। हम अपनी इबादत के ज़रिए से, हम अपनी नमाजों के ज़रिए से, अपने रोज़ों के ज़रिए से, अपनी दुआओं में, अपने इल्तजाओं में अल्लाह ताला से उसकी रज़ा के तालिब होते हैं और उससे मिन्नत करते हैं कि इलाही हमारे साथ मामला हमारे आमाल के मुताबिक से ना फरमा, तो हमसे राज़ी हो जा, हमें बख्श दे। तो उन लोगों की, उन अजीम हस्तियों की क्या शान जिनको अल्लाह सुबहानहु व तआला ऐलान फरमा रहे हैं जिनके लिए कि मैं तुमसे राज़ी हुआ। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब अब्दाल मुनीर साहब ने कि हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ इन अजीम हस्तियों से भी मोहब्बत और अकीदत अपनी जो है वो उनकी शान में निछावर करते चले जाएं। अल्लाह ताला हमें शायर इस्लाम की मोहब्बत नसीब फरमाए और रमज़ान मुबारक के इन आखिरी लम्हात में, रोज़े के इन आखिरी लम्हात में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आइए अब्दाल भाई से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह की जनाब में हम सब मिलकर अपनी झोलियाँ फैला कर और गर्दनें झुका कर हाथ बुलंद करते हैं। अब्दाल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिलमुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका वा शुक्रिका वा हुस्नि इबादतिक, आमीन, रब्बा रहमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन, अल्लाहुम्मा मन इज्जतल इस्लाम वल मुस्लिमीन, اللهم من عزة الإسلام والمسلمين آمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے ہمارے پیارے اللہ اے خالق اے مالک اے رازق یا رب اے اللہ اے ہمارے خالق ہمیں معاف فرما آمین یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو رحمت کا باب ہے تو رحمت کا سورس ہے یا رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مغفرت فرما آمین رمضان کی ان گھڑیوں کا واسطہ ہماری تمام التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا رب العالمین اپنا سچا اور عقیدت والا بندہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا اور یا رب العالمین اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سے उनकी शान में इज्जत को सामने रखने वाला बना या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला अंदर आगे ये झोलियाँ फैलाए हुए हैं, ये बबरकत घड़ियाँ हैं, या रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।